तो आज भी काफी सारे अपडेट है। आप जिस मूवी और जिस सीरीज का अगले पार्ट का वेट कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टाइम कोड के हिसाब से चले जाओ। और अगर आपकी वेब सीरीज या मूवीज नहीं है, देन आप कमेंट कर सकते हो, उस मूवी या वेब सीरीज को हम अगले वीडियो में कवर अप कर देंगे। तो डूडूम का इवेंट हुआ है, काफी सारे मूवीज और सीरीज के ट्रेलर टीजर आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और कौन से शोज कितना डिले हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो डेडपुल का तीसरा पार्ट कब आने वाला है, तो डेडपुल सेकंड के एंड में डेडपुल ने जो कांड किया है उसकी वजह से टीवीएफ वाले डेडपुल और वुल्वरिन के पीछे पड़े हुए हैं। अब डेडपुल और वुल्वरिन किस टाइमलाइन से बिलोंग करते हैं ये सारा कुछ हमको नहीं दिखाया गया है। तो रूमर के हिसाब से 3 मई 2024 को ये मूवी रिलीज हो जाएगी, बट मूवी की कॉमेडी पे ग्रहण लग रहे हैं बिकॉज ऑफ डिज्नी प्लस वालों ने ऑलरेडी राइट खरीद लिए हैं। तो अब जो रायन रोनाल्ड है वो ज्यादा स्क्रिप्ट में कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो थॉर लव एंड थंडर के साथ में थॉर की 4 मूवियां कंप्लीट हो चुकी है, बट थॉर लव एंड थंडर क्रिस हेम्सवर्थ के बच्चों को भी पसंद नहीं आई है, इसलिए उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि उनको अगर कोई जबरदस्त कैरेक्टर और जबरदस्त स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी तो वो थॉर 5 के लिए नहीं आने वाले हैं। हालांकि वो सीक्रेट वॉर और कैंग डायनेस्टी के लिए कंफर्म हो चुके हैं। तो टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की 4th मूवी के बारे में ये लोग मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि ये प्योर मामू बना रहे हैं क्योंकि WGA की स्ट्राइक की वजह से राइटिंग वगैरह का काम नहीं हो सकता। ये लोग मिलके सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी में होने क्या वाला है। स्पाइडरमैन फैन के लिए एकदम मस्त खबर आई है कि माइल्स मोरालेस की लाइव अडेप्टेशन आ रही है, मतलब अब सब रियल में होगा। जिन लोगों का एनिमे देखना नहीं पसंद है उन लोगों के लिए ये मूवी आ रही है। तो लोकी का सीजन 2 कब आ रहा है, तो WGA की स्ट्राइक का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। सीरीज इसलिए डिले हो रही है क्योंकि मार्वल वालों ने डिसाइड किया है कि हम हर साल 2 मूवी और 2 सीरीज ही लाएंगे, इस वजह से ये सीरीज इतना डिले हुई है। रूमर्स के हिसाब से ये शो आपको इसी साल 6 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, तो यार रेडी हो जाओ देखने के लिए। इस सीरीज में कैंग चच्चा वापिस आ रहे या फिर नहीं, क्योंकि इन पे केस कास्ट चल रहा है। वापिस आ रहे हैं भाई, शूटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से उसमें से इसको निकाल नहीं सकते वो लोग। तो अब बात कर लेते हैं अपनी साउथ इंडियन इंडस्ट्री बारे में। तो पुष्पा 2 कब आने वाली है, पुष्पा 2 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, उसकी बहुत ज्यादा क्लिपें आई हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके हाई लिखो और पुष्पा लिखो, आई सेंड यू। तो पुष्पा 2 कब तक आएगी, तो शायद मई 2024 तक आ जाएगी कि VFX का भी थोड़ा बहुत वर्क होता है तो उसको सब जोड़ लेते हैं। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जल्दी देखने को मिल जाएंगी क्योंकि प्री प्रोडक्शन में इसका बहुत बड़ा वर्क नहीं होता है। तो स्क्विड गेम के सीजन 2 की कास्ट अनाउंसमेंट हो चुकी है अपने नेटफ्लिक्स के डूडूम वाले इवेंट में, और कास्ट अनाउंसमेंट तभी होती है जब स्क्रिप्टिंग का सारा काम कंप्लीट हो जाता है। ठोको ताली तो शूटिंग का काम जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा, चालू नहीं हुआ है अभी, ज्यादा एक्साइटमेंट मत हो जाना। तो नवंबर में स्क्विड गेम का एक रियलिटी शो आने वाला है। लोग उसको समझ रहे हैं कि स्क्विड गेम का सीजन 2 आ गया, ऐसा नहीं है मेरे भाई, वो एक रियलिटी शो है। वहां पे आम आदमी आएंगे, अपनी तरह खेलेंगे, फर्क इतना होगा कि वो लोग मारे नहीं जाएंगे। मैं नेटफ्लिक्स वाले से पूछ रहा हूँ, ऐसे 5-10 लोग मरे नहीं ना, तब तक देखने की मजा नहीं आती है। मेरे दिमाग में तो एक ही चीज डाली गई है बचपन से कि रियलिटी शो मतलब स्क्रिप्टेड। बर्लिन का टीजर आ चुका है, इस टीजर के अंदर बर्लिन के चेहरे पे बहुत सारा मेकअप पोत दिया गया है, बट सीजन की वाइब आ गई है भाई, सच में मनी हेस्ट की याद आ गई है। तो रूमर्स के हिसाब से इसकी रिलीज डेट जो है वो 28 से 29 दिसंबर को है। तो स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 5 का अपनी काफी सारी जनता वेट कर रही है। अच्छी बात यह है कि आर्नो स्वानेगर ने इस टुडूम इवेंट को होस्ट किया था और जो म्यूजिक बज रहा था गाइस, कसम से गूज़बम्प्स दिला दिए उसने। सीरियसली गाइस, कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि साला स्ट्रेंजर थिंग का सीजन 5 लास्ट सीजन होने वाला है, और यू ऑलवेज नो स्क्रिप्टिंग का काम इसका कंप्लीट हो चुका है, ये लोग शूटिंग जल्दी स्टार्ट कर दे, प्रार्थना करो। वेडनेसडे के सीजन 2 को लेके इन लोगों ने कुछ अनाउंस नहीं किया है डुडुम वाले इवेंट में, हमारा पूरी तरीके से काटा गया है। जेना ओर्टेगा को बिठा दिया और फैन थियोरीज पे डिस्कस कर रहे हैं, नहीं जानना है हमको ये सब, हमको कब आ रही है सीरीज इसके बारे में कुछ अपडेट दो। इसी के साथ में डुडुम वाले इवेंट में रिबेल ऑफ द मून के बिहाइंड द सीन रिलीज किए गए, जिसको देख के DC फैंस काफी सारे खुश हो रहे हैं। इसी के साथ में एक लाइव अडेप्टेशन आ रहा है जिसका नाम है वन पीस। अब इसके बारे में ना ही मैंने कॉमिक्स वगैरह पढ़ी है और ना ही इसका कार्टून वगैरह देखा है, तो मेरे को कुछ पता नहीं है। 8 एपिसोड 31 अगस्त को आने वाले हैं, 20-20 मिनट के होंगे। अगर सीरीज अच्छी हुई लेट मी इन्फॉर्म, और अगर बुरी हुई तो रोस्ट करने के लिए तो ऑलवेज रेडी रहते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही ज्ञान, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही अपडेट देखने के लिए बने रहना इस चैनल के ऊपर।